हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। और अभी पेंडेमिक एंडेमिक हो रहा है, बहुत जल्द आप व्यस्त भी हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम रचनी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। आई एम रजनी नरसुलेकर। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। आत्मा नमस्ते। कुछ 25 साल पहले मैं और संतोष सर तुंगारेश्वर गए थे श्रावण महीने में। तुंगारेश्वर ये शिवजी का धाम है बंबई में। उस दिन काफ़ी वर्षा और पानी भरा था शिव के धाम पे, तो हमें पैदल ही जाना पड़ा था हाईवे पर, गाड़ी हमारी कार छोड़ के। कहीं पहाड़ और नदियां पार करते हुए हम पैदल ही चल रहे थे, तो नदी के किनारे चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत सागर गोटा पत्थर की शिला जो शिवलिंग स्वरूप थी वो संतोष सर को मिली और वो उन्होंने मुझे दी। हम उसे घर ले आए और एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस मंदिर के अंदर स्थापन किया। अंदर जो शिवलिंग, गाभारे के अंदर जो शिवलिंग है वो संतोष सर को मिला हुआ शिवलिंग है तुंगारेश्वर से। और मंदिर के बाहर यानी गाभारा के बाहर जो शिवलिंग है वो मेरी सहेली गीता नांदोस्कर ने स्थापन किया है। ये छोटा सा मंदिर, ये छोटी सी स्थापना, ये मेरे हाथ मैंने बनाई है। और मैं धन्य हूँ कि शिव जी ने और माता नवदुर्गा ने मुझे इतना भाग्यवंत बनाया कि मेरे हस्ते ये छोटा सा मंदिर निर्माण किया। ये मंदिर छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ही जागृत मंदिर है, जागृतेश्वर मंदिर है। यहाँ कोई किसी का चढ़ावा चढ़ाया नहीं जाता है, लिया नहीं जाता है। सिर्फ दूर से दर्शन लीजिए, अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। यहाँ कोई भी चढ़ावा चढ़ता नहीं है। प्रसाद मंदिर के तरफ से मिलता है, प्रसाद लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए और अपनी मनोकामना पूरी कर दीजिए। इस तरह से ये छोटे से मंदिर में दो शिवलिंग है, एक गाभारा के बाहर और एक गाभारा के अंदर, और माता नवदुर्गा की मूर्ति है। सुबह की मंदिर के सामने, इस छोटे से मंदिर के सामने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस गली खांचे से सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण माता जी के ऊपर और शिवलिंग के ऊपर गिरती है, बरसती है। और सुबह सुबह जब ये सूरज की पहली किरण या माता की, माता पे जब गिरती है या शिवलिंग पे जब गिरती है, तो इतना रमणीय, इतना सुंदर, ऐसा मनमोहक दृश्य होता है कि क्या बोले। अभी जब ये पूरी सूरज की किरण माता जी पे और शिवलिंग पे गिरती है तो आपकी हर मनोकामना, जो भी मनोकामना आप करेंगे वो पूरी होती है। क्योंकि मैंने सुना है और जाना है कि जब किसी मूर्ति पे, किसी मंदिर के मूर्ति पे सूरज की पहली किरण गिरती है तो वो मूर्तियाँ जागृत हो जाती है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। यहाँ यही होता है सुबह की पहली किरण दोनों शिवलिंग के ऊपर गिरती है
और माता नवदुर्गा की मूर्ति पे गिरती है और इतना रमणीय, इतना खूबसूरत दृश्य होता है कि लोग उस समय में यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं, राइट, आजू बाजू वाले की बहुत लाडली है ये नवदुर्गा माता और शिव बाबा, राइट, नवरात्रि में और महाशिवरात्रि में यहाँ उत्सव होता है, राइट, बहुत सारा जप तप हवन प्रसाद धूम धड़ाका होता है, आजू बाजू वाले और मेरे स्कूल कॉलेज के बच्चे पेरेंट्स, राइट, हम ये त्यौहार मनाते हैं खुशी खुशी, और मेरे स्कूल कॉलेज के बच्चे ये मंदिर धोते हैं, राइट, लालन पालन प्यार करते हैं और बहुत ही जागरूक हैं, और बच्चे इस कॉलेज के बच्चे स्कूल के बच्चे मंदिर में दुआ पूजा करते हैं, मंदिर धोते हैं और सजाते हैं, माता को सजाते हैं, शिव बाबा को सजाते हैं, राइट, और अपनी मन्नत पूरी करते हैं, और माता जी का यहाँ पर धाम होते हुए, शिव जी का धाम होते हुए इस स्कूल के सारे बच्चे बहुत अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, राइट। ये मंदिर, ये छोटा सा मंदिर कोपरखैरना नवी मुंबई में है और माता जी को, शिव बाबा को यहाँ के आसपास के लोग, मंदिर के मंदिर में आने वाले जो भक्तजन हैं, मंदिर में अंदर किसी को भी जाने नहीं मिलता है, बाहर से ही सबको दर्शन मिलता है क्योंकि मंदिर छोटा सा है और चारों बाजू से ग्रिल लगी हुई है ताकि माता जी का और शिव बाबा का दर्शन ले, और कोई चढ़ावा किसी ने चढ़ाना नहीं है, सिर्फ वहाँ से प्रसाद ले और अपनी मनोकामना बोले और अपनी मनोकामना पूरी कर ले, राइट। और मैं धन्य हूँ कि माता नवदुर्गा ने और शिव बाबा ने मुझे वो सौभाग्य दिया कि मैंने उनका ये छोटा सा मंदिर मेरे हाथों को इतना सौभाग्यशाली बनाया शिव बाबा ने और माता नवदुर्गा ने, इसलिए मैं जन्मों जन्म ऋणी हूँ। हर हर महादेव, जयकारा शेरावालीदा, बोले साचे दरबार की जय, शेरावाली माता की जय, वैष्णो माता की जय, कोपरखैरनेश्वरी की जय, नवदुर्गा माता की जय। आत्मा नमस्ते। नवरात्रि में और महाशिवरात्रि पर इस छोटे से मंदिर के पास बहुत भीड़ होती है, लाइन में भक्तजन, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, राइट, माता जी के, क्योंकि उसी दिन उसी समय में मंदिर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर मंदिर के अंदर जाकर पूजा पाठ प्रार्थना करने मिलता है भक्तजनों को, और उसी दिन जो भी प्रसाद चढ़ाना है, जो भी चढ़ावा चढ़ाना है, राइट, नवरात्र में महाशिवरात्रि में, कोई तो एक जो पवित्र दिन होता है उस दिन मंदिर का दरवाज़ा खुलता है और भक्तजन अंदर जाकर, मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन रोज़ तो बाहर से कर सकते हैं क्योंकि ग्रिल है चारों बाजू से, बाहर से दर्शन माता जी का, शिव जी का, गणपति जी का, साई बाबा का, हनुमान महाराज का हो जाता है, लेकिन अंदर जाने नहीं मिलता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर, नवरात्रि पर, गणपति पर और जो बड़े बड़े शुभ पर्व होते हैं उस पर्व पर अंदर जाकर उन दर्शन लेने मिलता है, राइट, और बहुत भीड़ होती है उस समय में मंदिर के आसपास। आपने नवरात्रि के प्रोग्राम्स तो देखे होंगे मेरे पिछले वीडियोस में, और
गणपति के भव्य उत्सव देखे होंगे मेरे पिछले वीडियोस में, और उसी तरह से शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पर भक्तजनों की भीड़ होती है, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, आजू बाजू वालों की, और सबकी मनोकामना पूरी होती है। हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय, शेरावाली माता की जय, कोपर खेरनेश्वरी की जय। फ्रेंड नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑल लव हेल्प एंड कोऑपरेशन इन लाइकिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। Thanks a lot, friends.